हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में मैं आपको अप्रैल के तीसरे हफ्ते का भाग एक लेकर आऊँगा। तीसरा हफ्ता स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं और थर्ड वीक जो है इसका पार्ट वन और पार्ट टू दो वीडियो बचे हैं। तो ये है पार्ट वन, इसके तुरंत बाद आएगा पार्ट टू। हमारी जो सेल है वो चल रही है 30 अप्रैल तक। हमने नबार्ड ग्रेड ए UGC नेट पेपर वन का कोर्स लॉन्च कर दिया है, साथ ही आंध्र प्रदेश PSC झारखंड और उत्तराखंड PSC का कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अगर आप कोई भी हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं या इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट studyiq.com विजिट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, लगभग 20,000 स्टूडेंट्स मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं। मैं बहुत जल्दी क्विज भी स्टार्ट करने वाला हूं, कुछ मैंने ऑलरेडी पोस्ट किए थे फोटोज के रूप में, तो मेरी आईडी है tirelesssoul। या ट्विटर पर जुड़ सकते हैं gaurav.gar888। तो सबसे पहला है कि भारत की जो कॉमनवेल्थ गेम्स में क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें भारत का ध्वजवाहक कौन था। एक होती है ओपनिंग सेरेमनी और एक होती है क्लोजिंग सेरेमनी। जो कॉमनवेल्थ खेल हैं ये हुए थे गोल्ड कोस्ट में। अगर पूछे गोल्ड कोस्ट कहाँ पर है तो ये है ऑस्ट्रेलिया में, क्वींसलैंड में। और इस साल के जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे वो हुए थे प्योंगचांग में। इनमें सबसे ज़्यादा जो मेडल जीते थे वो जीते थे नॉर्वे ने, और विंटर पैरा ओलंपिक्स में जीते थे USA ने। सो कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं इसमें हमारी ध्वजवाहक क्लोजिंग सेरेमनी में थी मैरी कॉम और ओपनिंग सेरेमनी में थी PV सिंधु। तो देख के करना मार्क, क्लोजिंग सेरेमनी पूछने के ओपनिंग में PV सिंधु, क्लोजिंग में मैरी कॉम। और नंबर वन पे रहा ऑस्ट्रेलिया, नंबर दो पे इंग्लैंड और नंबर तीन पे रहा भारत। तो भारत ने जो पदक तालिका थी उसमें तीसरे नंबर पे रहा। वैसे कॉमनवेल्थ गेम्स का मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप उसे जरूर देखिए। लेकिन एक बार फटाफट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किसने क्या जीता। तो ये जो टेबल है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने डेस्कटॉप पे इसे वॉलपेपर के रूप में लगा सकते हैं और फिर आपकी रिवीजन भी आसानी से हो जाएगी। तो ये जैसे सैना नेहवाल है, इन्होंने कुछ खिलाड़ी तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा, दीपक लेदर हैं या सतीश शिवलिंगम हैं, सैना नेहवाल हैं, एक मनिका बत्रा हैं जो टेबल टेनिस में कई मेडल जीते उन्होंने। तो जो भी इंपॉर्टेंट है उनका नाम याद रखना है। अनीश भानवाला है और सिर्फ 15 साल का बच्चा है अनीश भानवाला, सबसे कम उम्र का गोल्ड मेडलिस्ट रहा। या ये पूछें कि भाई सबसे पहला जो गोल्ड मेडल है वो किसने जीता भारत की तरफ से, तो वो जीता मीरा बाई चानू ने, और मणिपुर की हैं वो, भारोत्तोलन में जीता। इसके अलावा पहली महिला जिन्होंने भारत की बॉक्सिंग में मेडल जीता गोल्ड मेडल, वो मैरी कॉम है, 5 बार वर्ल्ड चैंपियन, 5 बार एशियन चैंपियन। नीरज चोपड़ा, ये पहले भारतीय मेल खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता जेवलिन थ्रो में। सो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है इसके अंदर। टेबल टेनिस में मनिका बत्रा हो गया, शरद कमल, जी सातियान वगैरह जो भी खिलाड़ी थे, और रेसलिंग में, पहलवानी में विनेश फोगाट, सुमित मलिक, बजरंग पुनिया। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, मैं चाहूँगा एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स वाला वीडियो आप मेरा देख लें। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं, SIDM की बात करते हैं। SIDM बोलते हैं सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर, जो भारत की रक्षा मंत्रालय के लिए जो उत्पादन करते हैं, SIDM का हिस्सा है। इन्होंने सस्टेनेबल फ्रेमवर्क फॉर पार्टनरशिप विद द एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है भारत की, जिसको बोलते हैं जीफास, तो जीफास के साथ एक पार्टनरशिप करी है। कौन से कंट्री के साथ? एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जीफास कौन से देश की है? ये है फ्रांस की। फ्रांस जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में काफ़ी आगे है। यहाँ पे एक कंपनी है फ्रांस की जिसको बोलते हैं एयरबस, एक और है जिसको बोलते हैं डसॉल्ट एविएशन। तो ये दोनों कंपनीज के नाम आपको याद रखने हैं। रेंट स्टैंड इनसाइट्स के हिसाब से इनमें से भारत का सबसे ज़्यादा भुगतान करने वाला शहर यानी हाईएस्ट पेइंग सिटी कौन सा है? ये है बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहला हेल्थ सेंटर आयुष्मान भारत स्कीम के तहत कहाँ पे उसका उद्घाटन किया? ये बना है जंगला गांव में। जंगला गांव है बीजापुर में और बीजापुर है छत्तीसगढ़ में। सुपर इम्पॉर्टेंट। आयुष्मान भारत में जो 5 लाख रुपया मिलेगा एक परिवार को अपने इलाज के लिए, और साल में, एक साल में, और 10 करोड़ परिवार हम टारगेट कर रहे हैं, तो लगभग 50-60 करोड़ लोग हम इसमें टारगेट कर रहे हैं। और मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो बीजापुर में गए, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है ये, आदिवासी काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह, यहाँ पे कांगर घाटी नेशनल पार्क है और एक गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी है। प्रधानमंत्री मोदी की जो छत्तीसगढ़ विजिट थी उसमें उन्होंने ये भी कहा कि बस्तर में इंटरनेट दिया जाएगा। ये सब नक्सलवादी एरिया हैं, बस्तर, नारायणपुर, ये जगदलपुर वगैरह, और कांगर घाटी नेशनल पार्क है जगदलपुर में।
तो 40,000 किलोमीटर के फाइबर ऑप्टिक केबल भी बिछाए जाएंगे जिससे बस्तर में इंटरनेट पहुंचे। और याद रखिए हमारी एक स्कीम भी है जिसका नाम है भारत नेट स्कीम। ये हमारे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन मनोज सिन्हा ने लॉन्च करी है, तो ये हमारा संचार मंत्रालय चला रहा है। इसमें हमें 2.5 लाख ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना है। इसके अलावा एक नई ट्रेन बिछाई गई है, गुडम से लेके भानु प्रतापपुर तक चलेगी ये, और कुछ नए पुल और ब्रिज प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनका उद्घाटन किया 1700 करोड़ रुपए की लागत से। बाबा साहेब अंबेडकर जयंती ये किस दिन मनाई गई, ये आसान सवाल है। तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, और इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। 1990 में इन्हें मिला था भारत रत्न, तो आंसर है 14 अप्रैल। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है और UPI प्रोडक्ट्स को लॉन्च करा है अपने 124वें स्थापना दिवस के उपलक्ष में। ये इस बैंक का 124th फाउंडेशन डे था। ये बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में जो नीरव मोदी फ्रॉड हुआ था उसके बाद RBI ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और लेटर ऑफ कंफर्ट दोनों को बैन कर दिया है। ये भी याद रखिए, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और लेटर ऑफ कंफर्ट अब यूज नहीं होंगे। पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुनील मेहता। इस बैंक का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और ये बैंक शुरू किसने किया था, इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय जिन्हें पंजाब केसरी भी बोलते थे, और 12 अप्रैल 1895 को ये स्टार्ट हुआ था। कौन से फॉर्मूला वन गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर हैं जिन्होंने बहरेन ग्रां प्री जीत लिया। ये जीता, फोटो देख के समझ जाइए, सेबेस्टियन वेटल की बात हो रही है। और ये गाड़ी कौन सी चलाते हैं आप ड्रेस देख के समझ सकते हैं। ये लोगो किसका है, ये इटली की गाड़ी है, इसको बोलते हैं फरारी। इटली की दो कंपनी फेमस है, एक फरारी और एक फिएट, और बाकी ज्यादातर जो है वो सब जर्मनी की हैं, ऑडी, पोर्श, BMW ये सब। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है जिसने भारत के साथ, भारत में लोगों को उद्यमी बनाने के लिए, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको एनहांस करने के लिए $1.58 मिलियन का, यानी लगभग 9 करोड़ रुपए का एक पार्टनरशिप करा है। ये इन्होंने किया है न्यू साउथ वेल्स के साथ, भारत ने किया है न्यू साउथ वेल्स के साथ। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में स्टार्टअप कैपिटल माना जाता है, यानी यहाँ पे स्टार्टअप्स बहुत होते हैं, नए बिजनेसेस काफी स्टार्ट होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट के हिसाब से भारत का जो ग्रोथ है वो साउथ एशिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन बना देगा। ये रिपोर्ट किसने रिलीज करी है, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट, ये रिलीज करी है वर्ल्ड बैंक ने। सुपर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और ये बाई एनुअल पब्लिकेशन है इनका। भारत ग्रो करेगा 7.3% वर्ल्ड बैंक के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2019 में, यानी जो अभी चल रहा है उसमें, और अगले साल यानी वित्तीय वर्ष 2020 में हम ग्रो करेंगे 7.5%। इनमें से कौन सा राज्य है जिन्होंने अपना 71वां फाउंडेशन डे मनाया 15 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को तो आपको याद होगा उड़ीसा ने मनाया था, उत्कल दिवस बोलते हैं जिसे। 15 अप्रैल को किसने मनाया, 15 अप्रैल को मनाया हिमाचल प्रदेश ने। ये वहां के मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है जयराम ठाकुर। और यहाँ हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो है स्नो लेपर्ड, और यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी है। यहाँ की राजधानी है शिमला। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की एक खिलाड़ी है जो आपको बिल्कुल याद रखनी है, उनका नाम है आंचल ठाकुर। आंचल ठाकुर ये स्कीइंग करती हैं और इन्हें हिमाचल गौरव पुरस्कार भी मिला था। ये एकमात्र भारत की खिलाड़ी है जिन्होंने मेडल जीता है स्कीइंग में, स्कीइंग। और हिमाचल प्रदेश बना कब था, 15 अप्रैल को बना था, लेकिन सन कौन सा था, 1948। कौन सा शहर है जिसने कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, जिसे बोलते हैं CHOGM, इसको होस्ट किया। इसमें भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी गए थे, तो ये होस्ट किया लंदन ने, और इसका थीम था टुवर्ड्स अ कॉमन फ्यूचर। कॉमनवेल्थ में 53 कंट्री हैं, 53। जो सरकार है उसने नाबार्ड की जो कैपिटल है, ऑथोराइज कैपिटल, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उसको बढ़ा के कितना कर दिया है, अब ये कर दी है इन्होंने 300 बिलियन रुपीज। 1 बिलियन होता है 100 करोड़, तो 300 बिलियन हो गया 300 × 100, यानी 30,000 करोड़ रुपए। नबार्ड के चेयरमैन हैं हर्ष कुमार भानवाला, और नबार्ड बना था 1982 में। कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने 50 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा, 50 करोड़ 67 लाख रुपए इन्होंने अप्रूव कर दिए हैं, एक IIIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनेगा बोध जून नगर में, तो ये करी है त्रिपुरा की सरकार ने। त्रिपुरा की सरकार ने ये बनेगा मोहनपुर नाम की जगह में, ये जो जगह है बोध जुंग नगर, ये मोहनपुर में है, और इसमें टोटल 128 करोड़ का खर्चा आएगा। उसमें से इस राज्य की सरकार देगी 50, और बाकी जो बचिया लगभग 73 करोड़ वो देगी केंद्र सरकार। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव,
और इनसे पहले थे माणिक सरकार, राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा में तीन इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, एक तो है गुमती, एक है रोवा और एक है तृष्णा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है कौन से बैंक पे? ये बैड लोन से संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा था, बैड लोन्स को ठीक से रिपोर्ट नहीं कर रहा था। ये बैंक है IDBI बैंक, IDBI बैंक। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 11 बैंक्स पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगा चुका है। कौन सा बैंक है जो टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिकली ट्रेडेड फर्म्स इन इंडिया में आया है? टॉप 50 वैल्यूएबल पब्लिकली ट्रेडेड फर्म्स इन इंडिया, ये बैंक है बंधन बैंक। और भारत की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंपनी के चेयरमैन कौन है? टाटा कंपनी के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। बंधन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष। इस बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की है, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया है जिसका नाम है मेम ट्रांजिस्टर। ये बिल्कुल दिमागी जैसा हमारा जो मतलब जो ह्यूमन बींग्स का मानवों का दिमाग होता है उसके जैसा काम करता है। इस टीम को लीड किसने किया? ये एक इंडियन है जिन्होंने लीड किया है, इनका नाम है विनोद कुमार सांगवान, विनोद कुमार सांगवान। कौन सी कंपनी है जिसने स्मार्ट वियरेबल डिवाइसेस की कंपनी विटवर्क्स को खरीद लिया है? विटवर्क्स को खरीदा मिंत्रा ने। 300 करोड़ रुपए की ये इंडस्ट्री है जो वियरेबल स्मार्ट डिवाइसेस हैं, तो आंसर है मिंत्रा। पाकिस्तान ने अभी अभी अपनी जो खुद की बनाई हुई इनकी मिसाइल है बाबर, ये क्रूज मिसाइल है, जैसे भारत में ब्रह्मोस है वो क्रूज मिसाइल है, तो बाबर मिसाइल का वो किया, टेस्ट फायर किया सक्सेसफुली। इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर। इनमें से पहले रैपर कौन बने हैं जिन्होंने पुलिट्जर प्राइज जीता म्यूजिक के लिए? ये मिला केंड्रिक लमार को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके गाने का नाम है डैम, जिसके लिए इन्हें मिला है। ये कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला है, इन सबके नाम आपको याद रखने हैं। तो फिक्शन के लिए मिला है, लेखनी के लिए लेस, किताब का नाम है लेस, इसको लिखा एंड्रयू सीन ग्रियर ने। ड्रामा, ड्रामा कैटेगरी में मिला है कॉस्ट ऑफ लिविंग किताब को, इसको लिखा है मार्टिना मजोक। बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी, जीवनी या आत्मकथा कैटेगरी में मिला है प्रेरी फायर्स द अमेरिकन ड्रीम्स ऑफ लॉरा इंगाल्स विल्डर, इसको लिखा है कैरोलिन फ्रेजर ने। कविताओं के लिए मिला है हाफ लाइट, कविताओं के संग्रह को, इनको लिखा है फ्रैंक बिडार्ट ने। और जनरल नॉन फिक्शन कैटेगरी के लिए मिला है लॉकिंग अप आवर ओन क्राइम एंड पनिशमेंट इन ब्लैक अमेरिका बाय जेम्स फॉरमैन जूनियर को। तो ये वाले याद रखने हैं, जर्नलिज्म वाले कोई नहीं पूछता, सिर्फ किताबों वाले पूछे जाते हैं एग्जाम में। CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने भारत का GDP कहा है कितना ग्रो करेगा 2018-19 में? इनके हिसाब से हमारा GDP ग्रो करेगा 7.3 से लेके 7.7% के बीच में। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट है राकेश मित्तल, राकेश भारती मित्तल। नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु, इन्होंने अनाउंस करा है कि इनमें से कौन सा हवाई अड्डा है जिसको कार्गो हब बनाया जाएगा भारत का? ये है मोपा हवाई अड्डा जो गोवा में है, मोपा। कौन सी कंपनी है जिसने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक MOU साइन करा है, ये डिफेंस प्रोडक्ट और सिस्टम बनाएगी, दोनों मिलके इसका उत्पादन करेंगे? ये कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो यानी LNT। भारत और कजाकिस्तान ने आपस में कौन सी चीज में आपसी सहयोग करने के लिए MOU साइन करा है? कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना और इसकी जो मुद्रा है उसे बोलते हैं टेंज। हम आपस में सहयोग करेंगे ऊर्जा के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में। याद रखिए अभी अभी 16वां अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी फोरम की बैठक हुई थी, IEF की बैठक हुई थी। हेमचंद यादव का निधन हो गया, कौन थे ये? ये छत्तीसगढ़ में मंत्री थे, BJP के सीनियर लीडर थे, तो आंसर है पॉलिटिशियन। अरब लीग समिट हुई अभी अभी, इसका 29वां अधिवेशन हुआ, कहां पे हुआ? ये हुआ दहरान शहर में, दहरान शहर है सऊदी अरब में, सऊदी अरब में। इनमें से पहला पुरुष कौन बना जिसने बांग्ला चैनल को एक ही दिन में 2 बार क्रॉस कर लिया? आसान नहीं है ये, और सिर्फ 17 साल का है ये, पुणे से है, इसका नाम है संपन शैलार, संपन शैलार। और ये आपको बता देता हूं, ये 32 किलोमीटर इसने तैराकी करी 9 घंटे 10 मिनट में, यानी ये गया और वापस आया, और सिर्फ 17 साल का बच्चा है ये। ये जो इसने यात्रा करी ये है सेंट मार्टिन आइलैंड, वहां से लेके तकनाफ जेटी जो बांग्लादेश में है वहां तक गए, ये बांग्ला चैनल को इसने क्रॉस किया।
हमारे तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना को बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिवस पर कौन से राज्य में लॉन्च करा? ये इन्होंने लॉन्च करा तेलंगाना में। और पूछ लें कि भाई तेलंगाना में कहाँ करा, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है सूर्यपेट, सूर्यपेट राजधानी है यहाँ की हैदराबाद। तेलंगाना में एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है जिसको बोलते हैं अमराबाद टाइगर रिजर्व, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहले इसका नाम था श्री सैलाम नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, और फिर जब तेलंगाना बना तो नागार्जुन श्री सैलाम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में रह गया, और इसका वो हिस्सा जो तेलंगाना में चला गया उसका नाम हो गया अमराबाद। तो आज की तारीख में नागार्जुन श्री सैलाम है आंध्र प्रदेश में और अमराबाद है तेलंगाना में। राम कुमार का निधन हो गया, ये कौन थे? ये एक पेंटर थे, काफी फेमस थे, 70 साल का कैरियर था इनका पेंटिंग में और पद्म भूषण भी जीता हुआ था इन्होंने। तो आंसर है ही वॉज अ पेंटर। कॉन्फ्रेंस ऑफ द लुटेनेंट गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी, दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय आया था, सुप्रीम कोर्ट का बाद में आया था कि जो यूनियन टेरिटरी होता है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर या लुटेनेंट गवर्नर जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहें, ये आपस में मिले, कहाँ पे मिले ये, इनका कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ? ये हुआ अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में, और इसकी अध्यक्षता करी जो पंजाब और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वीपी सिंह बदनौर ने। अंडमान निकोबार के कौन है? अंडमान निकोबार के हैं डीके जोशी, अंडमान निकोबार के गवर्नर हैं डीके जोशी, और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर एयरपोर्ट है। एक बात और, अंडमान निकोबार में भारत के दो ज्वालामुखी हैं, एक को बोलते हैं नारकोन दाम और दूसरे को बोलते हैं बैरन आइलैंड। कौन से राज्य की सरकार है जिसने डिसाइड करा है कि वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यूज करेगा अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे? ये अभी अभी डिसाइड करा हरियाणा की सरकार ने, और हरियाणा में अभी वर्ल्ड डिजाइन यूनिवर्सिटी बनी है सोनीपत में, ये भी याद रखिए। इसमें बेसिकली ये है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कुछ नहीं है, जैसे अमेरिका में होता है आप अपना सिलेबस खुद चूज कर सकते हैं, तो उससे जो वर्कलोड है बच्चों पे कम होगा। कौन सा कंट्री है जिसका कैबिनेट उसने अप्रूव कर दिया है एक लेगिस्लेशन, एक कानून जिसमें मैन और वुमेन, महिलाओं और पुरुष को जो सैलरी मिलेगी वो इक्वल मिलेगी? ये कानून बनाया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और जो जेंडर गैप है उसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बहुत पीछे है दुनिया में, 144 में से 120 है, भारत भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, भारत है 108। कौन सा शहर है जहां पे सेकंड इंडिया मोबाइल कांग्रेस अक्टूबर 2018 में आयोजित की जाएगी? ये अनाउंस करा हमारे संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने, इसको होस्ट करेगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो ये होगी नई दिल्ली में, और भारत वियतनाम को पीछे छोड़ के दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है चाइना के बाद। किसने लॉन्च करा डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फियो, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल लिंकर? इसको लॉन्च किया सुरेश प्रभु ने, और ये बेसिकली क्या है, सुरेश प्रभु ने वैसे ही हमारे इंडस्ट्री और कॉमर्स के मंत्री हैं, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज करने वाले जो निर्यात करने वाले जो व्यक्ति हैं वो अपना बिजनेस डिजिटल बना सकते हैं। एमएसएमई मंत्री हैं हमारे गिरिराज सिंह। इनमें से कौन सी टेलीविजन सीरीज, टेलीविजन धारावाहिक है जिसकी जो प्रोडक्शन टीम है उसको बाफ्टा स्पेशल अवार्ड मिला है? कौन सा है ये? ये मिला गेम ऑफ थ्रोन्स को। बाफ्टा को बोलते हैं ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ब्रिटेन का फेस्टिवल है ये बाफ्टा। इनमें से कौन से दिन वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया गया? इसका थीम था शेयरिंग नॉलेज मेक्स अस स्ट्रॉन्गर। तो ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, और काफी इंपॉर्टेंट है ये दिन, और ये दिन मनाया जाता है जो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के जो फाउंडर थे फ्रैंक श्नेबेल, उनका बर्थडे होता है, फ्रैंक श्नेबेल का बर्थडे होता है इस दिन। ये जेनेटिक डिजीज है, ये इसमें क्लॉट नहीं बनता आसानी से, तो फिर अगर किसी को थोड़ा भी इंजरी लग जाए तो सारा खून बॉडी का बह जाता है और पर्सन मर जाता है, काफ़ी डेंजरस है ये हीमोफीलिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है ये। तो ये मनाया गया 17 अप्रैल को। इनमें से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर व्यक्ति नहीं संकल्प, ये किताब अभी अभी रिलीज करी हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने, लिखी किसने है? इसको लिखा है किशोर मकवाना ने, किशोर मकवाना, और इन्होंने पहली कॉपी दी अपनी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, पर इसका विमोचन करा वेंकैया नायडू ने। इंडिया विज बटन कॉन्फ्रेंस 2018 ये कहाँ पे अभी अभी हुई थी? ये हुई थी नई दिल्ली में, और इसको होस्ट करा था भारत के विदेश मंत्रालय ने, जर्मनी ने और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिसआर्ममेंट अफेयर ने, और फिक्की था इसका पार्टनर, जो ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर था वो था फिक्की। कौन सी कंपनी है जिसने
हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ विंड पावर प्रोजेक्ट यानी 2017-18 में सबसे ज्यादा विंड पावर कौन सी कंपनी ने लगाई भारत में। इन्होंने 626 मेगावाट क्षमता टोटल मिला के उतना विंड पावर लगाया। ये कंपनी है सुजलॉन ग्रुप। 35% मार्केट शेयर है आज की तारीख में इस कंपनी का। इंडियाज हेरिटेज ऑफ घराना म्यूजिक पंडित्स ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर घराने पे ये किताब है, इसका ये किसने लिखी है, इसको लिखा है मीता पंडित ने। भारत ने वर्ल्ड बैंक के साथ $48 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन करा है लैंडस्केप मैनेजमेंट के लिए, कम्युनिटी लेड लैंडस्केप मैनेजमेंट। कौन से राज्य के लिए लोन मिला है, ये लोन मिला है इन्हें मेघालय के लिए। मेघालय की राजधानी है आइजवाल। कौन सा शहर है जिसका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उन्होंने छठा अध्याय हीट एक्शन प्लान का लॉन्च करा, हीट एक्शन प्लान। इसमें बेसिकली जो कूल जो छत होती है, जो घरों की छतें होती हैं उन्हें हमें ठंडा रखना है, हमें रिफ्लेक्टिव पेंट यूज़ करना है बिल्डिंग्स में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने मकान का पेंट सफ़ेद रंग का करते हो तो गर्मी कम लगेगी उसमें, जो क्योंकि सफ़ेद रंग जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, किरणों को एब्जॉर्ब नहीं करता, उनको अवशोषित नहीं करता, उनको एब्जॉर्ब नहीं करता। तो ये सब करा है अभी अभी अहमदाबाद ने। अहमदाबाद 36वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत का। इसका पुराना नाम था कर्णावती, अहमद शाह ने इसे बसाया था। गुजरात में है ये, और ये एशिया का तीसरा शहर है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया था। इससे पहले दो थे, एक था भगतपुर नेपाल में और गाले या गाल बोलते हैं जिसे श्रीलंका में। सरकार ने अनाउंस करा है फेम स्कीम जो है उसका पहला चरण, उसको एक्सटेंड कर दिया है। कब तक ये कर दिया है इन्होंने, 30 सितंबर 2018 तक पहला चरण। फेम की फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फेम बेसिकली कुछ नहीं है, सरकार ये चाहती है कि भारत में सिर्फ 2030 जो सन होगा उसके बाद भारत में चलेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स। तो ये है हमारा ई मोबिलिटी का टारगेट। NSDC यानी भारत कौशल विकास, जो जिसे बोलते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन्होंने MOU साइन करा है NPCIL के साथ। ये कौशल विकास करेगी 500 युवाओं का, कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, ये है कुंडन कुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हमने रशिया की मदद से बनाया है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में ही है कल्पक्कम। और कुंडन कुलम जो है ये तमिलनाडु में कहाँ है, तिरुनेलवली नाम की जगह में। इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने सीरिया के ऊपर अभी अभी एयर स्ट्राइक करे केमिकल अटैक्स को रोकने के लिए, जहां पे केमिकल अटैक्स के अड्डे थे उन पे बमबारी करी, ये तीन कंट्रीज ने मिलकर करा, US, ब्रिटेन और फ्रांस। तो सीरिया वॉर में दो गुट बन गए हैं, एक तरफ है US, ब्रिटेन, फ्रांस, दूसरी तरफ है रशिया, टर्की, ईरान, और ये सपोर्ट कर रहे हैं बशार अल असाद को, और अमेरिका जो है वो सीरिया के राष्ट्रपति बशार अल असाद को हटाना चाहता है। कौन सी कंपनी है जिसने 550 करोड़ रुपए का एक टूरिज्म डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट इसको मिल गया है, भैरव लंका काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। ये कंपनी है ITDC यानी इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कितना पैसा रिलायंस जियो जैपनीज इन्वेस्टर से इन्होंने उठाया है अभी अभी समुराई लोन्स के तहत। समुराई लोन से क्या होगा, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे जो लोन है वो मिल जाएगा। सो 3251 करोड़ रुपीज़ का लोन लिया है रिलायंस जियो ने जापान के इन्वेस्टर से। जापान की वैसे एक जीका भी है जो इनकी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट एजेंसी है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा का दूसरा सबसे लंबा पुल कौन सी नदी पे अभी अभी उसका उद्घाटन करा, ये नदी है इब नदी, और ये संबलपुर में किया इन्होंने, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट। 2.5 किलोमीटर लंबा पुल है, 117 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ये संबलपुर को ब्रज राजनगर से जोड़ेगा जो झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट, और भुवनेश्वर है यहाँ की राजधानी। कौन से फॉर्मूला वन ड्राइवर हैं जिन्होंने चाइनीज ग्रां प्री जीत ली जो शंघाई में हुई थी। शंघाई में हेडक्वार्टर है ब्रिक्स बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का, और ये ड्राइवर हैं डेनियल रिकियार्डो। ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं, रेड बुल। कौन सा बैंक है जिसने अपने ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे लगभग 250 कंपनियों को ये ले आया है फाइनेंस ट्रांजैक्शंस ट्रेडिंग के लिए, ये है ICICI बैंक, इसकी प्रेसिडेंट है चंदा कोचर। भारत ने अभी अभी एक द्विपक्षीय वार्ता करी, मीट करी, कौन से कंट्री के साथ, हम दोनों मिलके जो देश हैं वो ड्रग्स की समस्या को रोकने में एक दूसरे की मदद करेंगे, आपसे सहयोग करेंगे, ये हमने करा अफगानिस्तान के साथ ही क्यों किया। देखिए भारत में ड्रग्स रोकने का काम होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, और भारत में जो ड्रग्स आती हैं वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान से आती हैं, इसको बोलते हैं गोल्डन क्रेसेंट। तो ये एरिया है चांद जैसी शेप वाला, चांद की शेप को हम क्रेसेंट शेप बोलते हैं,
तो ये भारत के साइड में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का एरिया है, वहां से आती हैं ड्रग्स। और एक आती है ड्रग जिसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल में तीन कंट्री हैं, म्यांमार लाओस और थाईलैंड। इनका एक कंट्रीज मिलते हैं जहां पे, उसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। इन दो एरिया से भारत में ड्रग्स आती हैं। कोस्ट गार्ड कमांडर वेस्टर्न रीजन का किसे अपॉइंट किया गया है? भारतीय तटरक्षक कोस्ट गार्ड, इनका नाम है विजय चाफेकर। कौन से भारत के खिलाड़ी हैं जिन्हें स्टैंड आउट फीमेल प्लेयर दिया है विजडन ने, यानी सबसे अच्छे खिलाड़ी जो अलग ही दिखते हैं विजडन ने? विजडन को क्रिकेट की बाइबल भी बोला जाता है, और ये मिला मिथाली राज को लगातार दूसरी बार और विराट कोहली को। सो आंसर है मिथाली राज। और क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए जो है वो पांच खिलाड़ी चुने गए क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। तीन उसमें से वुमेन क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड की हीथर नाइट, नताली स्कीवर और आन्या श्रुबसोल। वेस्ट इंडीज के बैट्समैन है शाई होप और एसेक्स बॉलर जेमी पोर्टर। इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस याद रख लो मिथाली राज और विराट कोहली बस। इनमें से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नए सेक्रेटरी कौन बने हैं? ये विभा भार्गव को रिप्लेस करेंगे, इनका नाम है अनुपमा भटनागर। कितनी ऐसी साइट हैं जिन्हें ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम यानी GIAHS यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है 2016 से? ऐसी साइट्स हैं 14, और ये किया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जिसका हेडक्वार्टर है रोम में। ये हैं वो 14 साइट्स, आप इनके नाम यहाँ पे देख सकते हैं। और भारत में, भारत की तो कोई नहीं है, लेकिन कोई नहीं, फिर भी एक बार नजर मार सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है कृषि की दृष्टि से। बाई एनुअल आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, ये अभी अभी कहाँ पे हुआ? ये हुआ नई दिल्ली में, और इसकी अध्यक्षता करी हमारे आर्मी चीफ बिपिन रावत ने। सो आंसर है नई दिल्ली। कौन सी केंद्रीय मंत्री हैं हमारी जिन्होंने सातवां अध्याय होम एक्सपो इंडिया 2018 ग्रेटर नोएडा में हुआ, इसका उद्घाटन किया? ये किया स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी ये सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं। सरकार ने अभी अभी एक डेडिकेटेड डिफेंस एंड एरोस्पेस एसएमई फंड बनाया है, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो इस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जिसे बोलते हैं, उसका सेक्रेटरी कौन है? इसके सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अजय कुमार, और रक्षा मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। बिस्केत यात्रा का त्यौहार कहाँ मनाया गया अभी अभी? ये मनाया गया नेपाल में, और नेपाली नया साल जब स्टार्ट होता है तब इसे मनाया जाता है। ये फेस्टिवल मल्ला डायनेस्टी के राजाओं ने स्टार्ट किया था। कौन सा कंट्री है जिसने फेंग यून 209 सैटेलाइट को लॉन्च करा है मौसम संबंधी फॉरकास्ट के लिए? ये करा है चाइना ने। चाइना का एक रॉकेट भी है जिसे बोलते हैं लॉन्ग मार्च। साउथ वेस्टर्न आर्मी कमांड ने अपना 14वां स्थापना दिवस मनाया किस दिन? ये इन्होंने मनाया 15 अप्रैल को। कौन सा बैंक है जो भारत का दूसरा सबसे वैल्यूएबल बैंक बन गया पहली बार? इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया। नंबर वन पे है HDFC और नंबर दो पे हो गया है कोटक महिंद्रा बैंक। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई है 2.23 लाख करोड़। इनमें से राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महाराष्ट्र की सरकार ने किसे दिया? ये दिया मशहूर एक्टर धर्मेंद्र को। और एक डायरेक्टर हैं राजकुमार हिरानी, इनको मिला स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड। और वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला एक्टर विजय चवन को। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बताइए कि राजकुमार हिरानी की एक फिल्म आ रही है संजू, संजय दत्त की जीवन पे, इसमें संजय दत्त की भूमिका कौन निभा रहे हैं? कमेंट्स में लिख के बताइए। कौन से राज्य की सरकार है जिसने क्वेस्ट स्टार्ट करा है? ये आदिवासी जनजातियों के विकास के लिए है क्वेस्ट। क्वेस्ट की फुल फॉर्म क्या है? क्वालिटी इवेल्युएशन फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर। क्वालिटी इवेल्युएशन फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर यानी क्वेस्ट, ये करा महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र की सरकार ने एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई है घोड़ा जारी, और यहाँ पे एक चंदोली नेशनल पार्क भी है। यहाँ का एक डांस भी है जिसे बोलते हैं लावाणी। और महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक रिफाइनरी बन रही है, भारत की सबसे बड़ी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन BPCL और HPCL जिसे मिलके बना रहे हैं। सुरेंद्र निहाल सिंह का निधन हो गया, ये कौन थे? ये पत्रकार थे, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ थे, स्टेट्समैन के चीफ एडिटर थे, खलीज टाइम, बहुत बड़े पत्रकार थे। कौन से कंट्री का उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट जिसने प्रधानमंत्री जो थे पहले नवाज शरीफ, उन्हें कहा है कि अब वो कभी भी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ही कैनॉट होल्ड ऑफिस फॉर लाइफ? तो ये करा पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। और
इनकी जो पार्टी है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन नवाज पार्टी, PMLN पार्टी। कौन सा कंट्री है जिसने रिजर्वेशन सिस्टम को सरकारी नौकरियों में ख़त्म कर दिया है? यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे और ये ख़त्म करा भी अभी बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। भारत के कौन से टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने मैन सिंगल्स का खिताब जीत लिया सांटाइजी ATP चैलेंजर टूर्नामेंट जो ताइवान की राजधानी ताइपी में हुआ था? यह जीता यूकी भांबरी ने और इन्होंने फाइनल में भारतीय को हराया रामकुमार रामानाथन को। दुनिया की पहली लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक बस लाइन ये भी कौन से शहर में इनॉग्रेशन हुआ इसका? ये अमियंस को पेरिस से जोड़ेगी 160 किलोमीटर। ये इसका इनॉग्रेशन हुआ पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस, जहां पे 2024 के ओलंपिक खेल होंगे। इनमें से शोरेनस्टीन जर्नलिज्म अवार्ड 2017 स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी के वॉल्टर एच शोरेनस्टीन एशिया पैसिफिक रिसर्च सेंटर ने किसे दिया है? ये जुड़े हुए हैं द वायर से, उसके फाउंडिंग एडिटर हैं, इनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन। कौन सा कंट्री है जो 62वां कंट्री बना है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करा है एज अ मेंबर? ये ज्वाइन किया है यूके ने, यूके। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, इसके हेड हैं उपेंद्र त्रिपाठी, इसकी पहली बैठक हुई थी नई दिल्ली में और ये फ्रांस और इंडिया ने मिलकर स्टार्ट किया था। कितना लोन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है इसने अप्रूव करा है मध्य प्रदेश में सड़कें बनाने के लिए, ग्रामीण सड़कें यानी रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए? ये किया है इन्होंने $140 मिलियन। और इस बैंक के प्रेसिडेंट हैं जिन लिकन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चाइना के पूर्व वित्त मंत्री हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 2017 में सबसे ज्यादा लोन दिया था इंडिया को $1 बिलियन और 2018 में ये देंगे भारत को $1.5 बिलियन। विश्व हिंदू परिषद ने अपना अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष इंटरनेशनल प्रेसिडेंट किसे बनाया है? इनका नाम है विष्णु सदाशिव कोकजे। हमारा आयकर विभाग यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इनमें से कौन सा फॉर्म है जिसको अमेंड करा है, जिसमें बदलाव करा है? इन्होंने थर्ड जेंडर का ऑप्शन भी रख दिया है इसमें और इस फॉर्म को बोलते हैं, दो हैं, फॉर्म 49A और फॉर्म 49AA। सुशील चंदर हैं हमारे CBDT के चेयरमैन। कौन सा शहर है जिसने अफ्रीकन लैंड सोर्स लैंड फोर्सेस समिट ALFS को होस्ट किया? इसको होस्ट किया अबूजा ने, ये नाइजीरिया की राजधानी है। नाबार्ड जो है उसने अनाउंस करा है कि वो अपनी लॉन्ग टर्म लैंडिंग जो दीर्घकालिक उधार है उसे वित्तीय वर्ष 2018-19 में बढ़ा के कितना कर देगा? तो इस साल में नबार्ड जो है वो लोन देगा 80,000 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म। पिछले साल लॉन्ग टर्म लोन था 65,000 करोड़ का। कितने MOU भारत और रशिया की कंपनियों ने आपस में साइन करे जो डिफेंस एक्सपो हुआ था चेन्नई में? इन्होंने साइन करे 7 MOU। कौन कौन से हैं ये यहाँ पे हैं, तो इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस टोटल याद रख लो, 7 MOU साइन करे हैं। इसके अलावा रशिया की 2-3 कंपनी आपको पता होनी चाहिए, एक तो है रोजाटॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है वहां की, अलरोसा है, एक कंपनी और है रोजनेफ्ट और एक है गैस प्रॉम, ये 4 कंपनी याद रख लो। एक वैसे एंटीवायरस की कंपनी नाम सुना होगा कैस्पर स्काई, ये भी रशिया की है। कितना परसेंट होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन था हमारा मार्च 2018 में? ये जुलाई 2017 से सबसे कम था, तब से लेके अब तक ये था 2.47%। कौन सा बैंक है जिसने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी स्टार्ट करी है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 1 करोड़ रुपए तक? ये बैंक है यस बैंक और इस सर्विस का नाम इन्होंने रखा है यस GST। राणा कपूर है इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर। कौन सी देश के वैज्ञानिकों ने एक नया डिवाइस बनाया है आर्टिफिशियल ट्रांसपायरेशन 3D होलोकॉन स्ट्रक्चर जो सोलर थर्मल कन्वर्जन एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है, यानी जो सोलर एनर्जी है थर्मल कन्वर्जन जो उससे होता है उसकी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सकता है? ये करा है अभी अभी चाइना ने, चाइना के जिस यूनिवर्सिटी ने किया है वो है नैनजिंग यूनिवर्सिटी। 25 मेगावाट क्षमता का वेस्ट टू पावर प्लांट अभी अभी कहां पे लगा है, जो कूड़ा कचरा है उससे बिजली बनाएगा? ये लगा है गुरुग्राम में, गुरुग्राम में, और ये 502 करोड़ रुपए की लागत से लगा है, अगस्त 2019 में स्टार्ट हो जाएगा। सो ये था तीसरे हफ्ते का भाग एक, लगभग 80-85 क्वेश्चन कवर किए हैं और जो भाग दो है वो मैं बहुत जल्दी कवर करूंगा। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी जितना हो सके शेयर करें और मुझे प्रोत्साहन दें। जो थर्ड वीक का पार्ट टू है वो इसके कुछ ही घंटे के बाद अपलोड हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।